भारतीय संविधान को बनाने में महिलाओं ने भी एक अहम योगदान दिया था। इन्होंने महिला अधिकारों से लेकर सत्ता के प्रारूप कैसा होगा जैसे सभी जरूरी मुद्दों पर अपनी बात रखी थी। संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 15 महिलाएं भी थी। इन्हीं 15 महिलाओं में से एक नाम है दक्षिणी वेलायुधन का। दक्षिणी वेलायुधन भारतीय संविधान सभा की इकलौती दलित महिला और सबसे कम उम्र की सदस्य थी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिणी वेलायुधन और उनके योगदान के बारे में। दक्षिणी केरल की रहने वाली थी। इनका जन्म 4 जुलाई 1912 में कोच्चि के एक छोटे से द्वीप मुलावकर में हुआ था। वह पुलाया समुदाय से ताल्लुक रखती थी। उस समय जातिवादी व्यवस्था की वजह से पुलाया समुदाय पर कई तरह की बंदिशें थीं। तथाकथित उच्च जातियों के बनाए जातिवादी नियमों की वजह से महिलाओं को अपनी छाती ढकने की मनाही थी। पुलाया समुदाय के लोगों को बाल काटने और पढ़ने की इजाजत भी नहीं थी। दक्षिणी और उनके परिवार ने नियमों को नहीं माना। उन्होंने शरीर के ऊपरी हिस्से में भी कपड़े पहने। इतना ही नहीं, उनका नाम भी विद्रोह का एक प्रतीक था जो पुलाया समुदाय द्वारा रखे जाने वाले नामों से बिल्कुल अलग था। साल 1935 में उन्होंने केमिस्ट्री में बैचलर डिग्री हासिल की। जातिवादी व्यवस्था के चलते दक्षिणी को पढ़ाई के दौरान बहुत अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा था। तथाकथित उच्च जाति के लोग उन्हें दलित महिला होने की वजह से विज्ञान लैब के उपकरण छूने नहीं देते थे। उन्होंने दूर से ही खड़े होकर सब कुछ सीखा। बावजूद इसके वे पीछे नहीं हटी। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 1935 से 1945 तक हाई स्कूल में बतौर टीचर काम किया। साल 1940 में इनकी शादी आर वेलायुधन से हुई थी। इनकी शादी में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी भी शामिल हुए थे। तथा कथित सवर्ण फरमानों के खिलाफ आवाजें उठाने और सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवार के सदस्यों की सक्रिय भूमिका ने वेलायुधन को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था। वेलायुधन सार्वजनिक तौर पर दलितों पर लगी पाबंदियों का विरोध करती थी। वह कांग्रेस की नीतियों की भी जमकर आलोचना करती थी। साल 1945 में उन्हें कोचिन विधान परिषद के लिए नामित किया गया। इसके बाद 1946 में मद्रास प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए भी नामित किया गया था। वेलायुधन का कांग्रेस और SISCF ने जमकर विरोध किया था। संविधान सभा में उनका नामांकन रद्द करने तक की याचिका दायर की गई थी। इन सब के बावजूद वह संविधान सभा में निर्वाचित होने वाली अकेली दलित महिला बनी। 1946 से 52 तक उन्होंने संविधान सभा और भारत के अस्थायी सांसद के सदस्य के तौर पर काम किया। वेलायुधन का संविधान सभा का कार्यकाल दो उद्देश्यों पर परिभाषित किया गया था जो गांधी और आंबेडकर के विचारों से प्रेरित थे। पहला, कि लोगों के जीवन को एक नया ढांचा देना। दूसरा, अस्पृश्यता को गैर कानूनी करना और दलित को सुरक्षित नैतिक जीवन देना। असेंबली में वेलायुधन एक मजबूत आवाज थी जो लोकप्रिय राय के खिलाफ जाने से कभी नहीं डरती थी। उन्होंने संविधान सभा में नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पर भी अपने विचार रखे थे। वेलायुधन ने 1948 में भारतीय संविधान के ड्राफ्ट की आलोचना भी की थी। उन्होंने मजबूत केंद्र सरकार की राज्यों पर हावी होने की बात पर सभा का ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने मुख्य तौर पर राज्य की राज्यपालों की नियुक्ति की पद्धति पर प्रकाश डाला और तर्क दिया था कि यह सत्ता को केंद्रीकृत करेगा। दक्षिणी वेलायुधन डिप्रेस्ड क्लासेस यूथ फाइन आर्ट्स क्लब की अध्यक्ष भी थी। वे मद्रास में द कॉमन मैन की मैनेजिंग एडिटर भी रही। वे महिला जागृत परिषद की संस्थापक अध्यक्ष भी थी। 1978 में दक्षिणी वेलायुधन ने इस दुनिया में आखिरी सांस ली। उन्होंने अपने पूरे जीवन सामाजिक उत्पीड़न और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी विरासत भारतीय संविधान के निर्माण में उनके योगदान के रूप में आज भी जीवित है।